हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ डिजाइन का। इस डिजाइन को देखिए, आप दोनों साइड से बना सकते हैं। इस साइड से देखिए तो ये ऐसा लगता है, ये जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। और अगर आप इसको इधर से बनाइए तो ये बबल्स में हमारा डिजाइन बन के आता है। इसको आप किसी भी बेबी के स्वेटर में डाल सकते हैं, फ्रॉक में डाल सकते हैं, सब में ये अच्छा लगता है। मगर अगर आप किसी जेंट्स स्वेटर में आपको इसको बनाना हो तो आप इसको पलट के ऐसे बनाइए तो ये इधर से भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये हमारा डिजाइन रिवर्सिबल है, आप चाहे दोनों साइड से ही, चाहे इस साइड से बनाइए या इसको इस साइड से बनाइए, दोनों साइड से अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि हमको ये बिनाई कैसे बनानी है। देखिए, इसका सैंपल हम 25 फंदों से बना रहे हैं। और सबसे पहले इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे तीन फंदे उल्टे रहेंगे, तीन उल्टे एक सीधा, फिर दो उल्टे हमारे हो गए, एक और दो। उसके बाद जब सीधा फंदा आया तो उसमें मैंने एक फंदा बनाया, ऊन को अपनी साइड किया, फिर इसी फंदे में से जिसमें से मैंने पहली बार बनाया है फिर इसी सिलाई निकाली और ऐसे बना। अब तीन फंदे हो गए, फिर ऊन आगे किया और इसी फंदे से फिर एक बार ऐसे बनाया। तो टोटल एक फंदे से हमारे यहाँ पे पांच फंदे बन गए, फिर दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे और फिर एक फंदे में पांच फंदे बनाने हैं। पांच फंदे के लिए पहला फंदा सीधा बिनेंगे, ऊन को अपनी साइड करेंगे, फिर सीधा बिनेंगे, तीन हो गया, फिर ऊन को अपनी साइड किया, उसी फंदे में से इसको सिलाई से उतारते नहीं हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो पांच फंदे बन गए, फिर ऊन अपनी साइड किया और एक और दो उल्टे एक सीधा, एक और दो, दो उल्टे एक में पांच फंदे बनाए, तीन चार और पांच, पांच फंदे हो गए, दो उल्टे एक सीधा। लास्ट के हमारे जो तीन फंदे बने बचे इसको हमने उल्टे बिन लिए। उल्टी सिलाई पे जब हम आएंगे तो जो हमारे ये उल्टे फंदे हैं, जो हमने इस साइड से उल्टे बिने हैं, इनको हम इधर से सीधे बिनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये हमको दोनों साइड में इस बिनाई में डिजाइन डालना पड़ता है, इसलिए इधर से हमारे ये एक दो तीन फंदे सीधे हो गए और एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे किया और टोटल हमारे यहाँ पे फिर एक दो सीधे हो गए और जो हमने पांच बना रखे हैं, एक में से जो पांच फंदे बनाए हैं इनको भी सीधा ही बिनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, ये सीधे हो गए। दो फंदे इस साइड के ये भी सीधे बिने, एक उल्टा, फिर वही रिपीट करेंगे। टोटल यहाँ पे हमारे नौ फंदे हो जाएंगे सीधे जो हमें बिनने हैं, पांच जो हमने एक फंदे से बनाए और दो दो जो साइड में बनाए थे। तो टोटल हमारे ये नौ फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे और एक फंदा उल्टा हो जाएगा। ये हमारे सीधे हो गए, ये उल्टा हो गया एक, फिर हमारे नौ फंदे सीधे, एक से जो पांच बनाए इनको भी सीधे बिनने हैं, प्लस इसके अगल बगल जो साइड में हमारे दो दो फंदे उल्टे थे उनको भी मिला उल्टे सीधे बिनेंगे। इस तरीके से टोटल ये हमारे पांच और दो दो साइड के टोटल नौ फंदे सीधे हो जाते हैं, एक उल्टा और लास्ट के ये तीन सीधे बिनेंगे। ये हमारी सेकेंड रो थी बिनाई की और अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में जब आते हैं तो फिर स्टार्टिंग के जो हमारे फंदे हैं ये हमारे उल्टे हो जाएंगे, तीन उल्टे एक सीधे सीधा, तीन। अब यहाँ पे हमारे टोटल ये नौ फंदे हो जाएंगे, टोटल हमको नौ फंदे उल्टे बिनने हैं
और एक सीधा बिनना है। ये हमारे 9 फंदे उल्टे और एक सीधा। ये सीधी सिलाई जब हम इसकी बनाएंगे तो 9 फंदे उल्टे और एक सीधा बनाएंगे, और जब उल्टी सिलाई में आएंगे तो हमारे 9 फंदे इस साइड से जब हम आएंगे तो 9 फंदे सीधे हो जाएंगे हमारे और एक फंदा उल्टा बनेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे उल्टे और एक सीधा। इसी तरीके से हमको ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। और उल्टी सिलाई में हमारा जो फंदा जैसा है वैसा ही बिनेंगे। जैसे ये हमारे जो फंदे सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बिनने हैं, और जो हमारा एक फंदा उल्टा है उसको हम उल्टा बिनेंगे, यानी कि 9 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हमको ये टोटल अभी उल्टी सिलाई बिननी है फिर सीधी बिननी है। अभी इसमें हम टोटल यहाँ पे जो हमारा ये आ जाती है, हम इसको ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, टोटल हम 6 सिलाइयाँ बिनेंगे। 7वीं सिलाई पर हमको ये बिनाई फिर से रिपीट करनी है, तब हम बताएंगे कैसे इसमें आगे डिज़ाइन पड़ेगा। ये अब हमने फिर इसकी सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई में हमारे फंदे फिर वैसे ही हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, उल्टे फंदे हमारे 9 हो जाएंगे और एक सीधा हो जाएगा। जहाँ से हमने ख़त्म किया इसको हमने एक सीधा बना दिया और ये हमारे उल्टे हो जाएंगे। इसी तरह हमको इसकी फिर 6 रोज कंप्लीट करनी है। 7th में आएंगे फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन पलटेंगे। ये हमारे इसमें देखिए टोटल फिर 6 रो कंप्लीट हो गई हैं, और 7th में जब हम आए हैं फिर हमको वही रिपीट करना है। इन 5 फंदों, इन 2 फंदों को छोड़ के बीच के 5 फंदे ऐसे बंद करने हैं और इस पे हमें नया डिज़ाइन फोड़ना है। इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन ये पड़ेगी और ये हमारे ऐसे बबल्स जैसे बन के उभर के आ जाते हैं। ये देखिए मैंने इसको 3 रोज में कंप्लीट किया, यानी कि 3 हमने इसमें डिज़ाइन ऐसे बना के कंप्लीट किया है। और ये बनने पे ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है जैसे पेड़ में फ्लावर्स लगे हुए हैं ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिज़ाइन कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स करके अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।